हाय गाइस, इकोनॉमिक्स की रिवीजन वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया। क्योंकि सबसे पहले मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, तो थोड़ी सी मैं आप बातचीत आपसे कर लेता हूं, फिर हम कंटिन्यूअसली वीडियोज़ जो है देखते जाएंगे। कोशिश मेरी ये रहेगी कि इकोनॉमिक्स की बहुत सारी वीडियोज़ बना दूँ मैं आपके लिए, 10 से 15 मिनट में सारी वीडियोज़ जो है आपकी ओवर हो जाएँ, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चला चला के इन सबको। दूसरी बात, मैं आपको सजेस्ट करूँ, सोचूंगा, मतलब अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों ने वन टाइम ICI का मॉड्यूल पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो अपने जहाँ अपने अपनी CA की कोचिंग ली है, CPT की जहाँ भी आपने कोचिंग ली है, उनकी बुक अच्छे से गो थ्रू आपने करी होगी, ठीक है। तो वीडियो के अंदर मैं ICI की बुक को रेफ़र नहीं करने वाला हूँ, फ़िलहाल मैं आपको पढ़ाऊँगा अपने शॉर्ट नोट्स में से, जो कि मेरे पास मेरे शॉर्ट नोट्स पड़े हुए हैं, उनसे मैं आपको करवाने वाला हूँ पूरी उसकी तैयारी, ठीक है। अब ये नोट्स बहुत ज़्यादा क्रक्स हैं, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं कट टू कट समरी, वो इन नोट्स के अंदर है। सो थोड़ा सा बी केयरफुल होकर पढ़ना, अगर हल्का सा भी लीनियंसी आई तो आपका कोई टॉपिक जो है मिस होने के चांस है। अब इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके। जो डायरेक्ट टैक्स है उसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स जो आप अपने इनकम पे करते हो, मतलब अगर आपको कोई इनकम होगी उस पे जो आप टैक्स दोगे उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। अब वेल्थ टैक्स किसे कहते हैं, वेल्थ टैक्स होता है जो वेल्थ पे लगता है, जब वेल्थ ट्रांसफर होती है तब उस पे टैक्स लगता है, ठीक है। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इन वर्ड्स का मतलब जानना, जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कैसे कहते हैं, देखो जब आप सामान इंपोर्ट करते हो, क्या करते हो, सामान इंपोर्ट करते हो या सामान एक्सपोर्ट करते हो आउट ऑफ इंडिया, सो उसके ऊपर एक जो ड्यूटी लगाते हैं उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी, ठीक है। अब इनको चाहे लिखते जाना, एक्साइज ड्यूटी लगती है मैन्युफैक्चरिंग पे, जब भी आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हो और मैन्युफैक्चर करके बना देते हो, सेल की अभी कोई बातचीत ही नहीं हो रही, बना देते हो तो लगती है एक्साइज ड्यूटी। अब एक छोटी सी बात इररिलेवेंट है आप लोगों के लिए, लेकिन बताना मेरा यहाँ पे मुझे लगता है ज़रूरी है, GST आ चुका है। GST के आने से 1, 2, 3 ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं GST की वजह से, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में अभी भी ये सब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स के अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे कि VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स, इसे वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं, सेल्स टैक्स भी कहते हैं, ठीक है, लोकल सेल्स टैक्स भी कहते हैं। उसके बाद सर्विस टैक्स, सिंपली जो सर्विस पे दिया जाता है, आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है, सर्विस पे दिया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इसमें इम्पोर्टेंट आपने क्या याद रखना है, देखो इसमें इम्पोर्टेंट जो आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स जिनका बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, जिनका बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं कर सकते, और ये जनरली प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, प्रोग्रेसिव नेचर के, ठीक है, ये जनरली किस नेचर के होते हैं, प्रोग्रेसिव नेचर के, यानी कि एक मिनट, यानी कि अगर इनकम इनकम बढ़ेगी तो ये टैक्स ऑटोमेटिकली राइज हो जाएंगे, ठीक है, ये याद रखना। जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर इनकम या प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये टैक्स कम हो जाते हैं, ठीक है, तो ये जनरली रेग्रेसिव नेचर के होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और इनका बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिस पर्सन पे टैक्स लगाया है वही उसे पे करता है, ठीक है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिस पर्सन पे लगा इसके ऊपर है, पे कोई और करेगा, पे कौन करेगा, कोई और करेगा, ठीक है, पे कोई और करेगा, ओके। आगे बढ़े, अब इनकम टैक्स कब आया था, क्या वगैरह सारी बातें करते हैं। आओ, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था 1860 में, फिर उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दिया ड्यू टू सम रीजंस 1873 में, और दोबारा आ गया 1886 में। कैसे याद रखें इन डेट्स को भाई, ओके, नो प्रॉब्लम, ऐसे एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लो। अब देखो जादू, 1860,
1873 और 1886, दैट्स इट। अगर ध्यान से देखो तो सब में 13 इयर्स का गैप है, सब में जो गैप है वो 13 साल का है, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है कि वो इनिशियली इंट्रोड्यूस कब हुआ था, इनिशियली कब इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1860 में, उसमें आप जोड़ दो 13 इयर्स, कितना आ जाएगा 1873, इसमें वो डिसकंटिन्यू हो गया, उसमें और जोड़ दो 13 इयर्स, कितना आ जाएगा 1886, इसमें वो दोबारा कंटिन्यू हो गया, ठीक है। पर्सनल टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, वो टैक्स जो इंडिविजुअल्स की इनकम पे लगता है, कॉरपोरेट जो कंपनी की इनकम पे लगता है, ठीक है। वेल्थ टैक्स, आओ भाई वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स आया था 1953 में, 1953 में, लेवीड व्हेन टोटल प्रॉपर्टी पासेस टू द हेयर्स, मतलब अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाए तो उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं, कौन होते हैं उसके जो लीगल हेयर्स, मगनडाई लॉ पढ़ के आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। उस पर्सन के जब ट्रांसफर होता है तो वेल्थ एस्टेट ड्यूटी लगती थी, लेकिन ये 1985 में खत्म भी हो गई थी। ये बातें छोटी छोटी याद रखनी है आपको। एनुअल टैक्स कब आया, 1957 में आया, 1957 में आया, और किस पे लगने लगा, रेजिडेंशियल हाउस फार्म हाउस वगैरह के ऊपर लगने लगा, ठीक है, अबॉलिश कर दिया 1993 के अंदर। नेक्स्ट गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स आया 1958 में और अबॉलिश हो गया 1998 में, ठीक है। इनकी आप कुछ भी छोटी सी समरी बना सकते हो, एक छोटी सी समरी तैयार कर लेना एक, क्योंकि इससे क्या होगा, इन डेट्स को आपको याद रखने में आसानी होगी। सिंपली पता करना क्या है आपने, आप लोगों ने करना क्या है, बस यहाँ पे ना ऐसे लिख लेना है एनुअल टैक्स जो भी है, जैसे मान फॉर एग्जांपल आपने लिखा यहाँ पे इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स, फिर एक कॉलम बना लेना कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, बस ये दो चीजें बना ली और इनकी डेट्स लिखते गए यहाँ पे, इनकी डेट्स यहाँ पे लिखते हैं। जैसे इनकम टैक्स की अगर मैं लिखूँ तो कंटिन्यू सबसे पहले शुरू कब हुआ, 1860 में, फिर डिसकंटिन्यू कर दिया 1873 में, फिर 1886 में दोबारा आ गया, बस इस तरह से डेट बनाते जाओ, चीज़ अपने आप क्लियर होती जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कैसे कहते हैं, कस्टम ड्यूटी लगती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, ठीक है। पीक रेट कस्टम ड्यूटी का पहले 20% था, जिसको घटा के और बाद में वो 10% हो, ठीक है। पीक रेट्स कब कब थे, ये पीक रेट्स है, बस आपको इतना याद रखना है, पहले कभी पीक रेट था 2003-04 में 20%, 7-08 में कर दिया 10% फॉर नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है, नो कनेक्शन विद सेल, डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं आपसे, इस बात का याद रखना, डेफिनेशन भी आ सकती है, ठीक है। दीज आर, एक मिनट, ठीक है, आगे बढ़ो। सेल्स टैक्स, एक होता है स्टेट, एक होता है सेंट्रल। सेल्स टैक्स ऑन अ ट्रांजैक्शन इन स्टेट नाउ रिप्लेस्ड विद वैट वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये दिल्ली है, ये क्या है दिल्ली, अगर दिल्ली के अंदर अंदर सेल हो रही है, मतलब बायर भी हैं और सेलर भी हैं, अगर अंदर अंदर हो रही है तो क्या लगेगा, स्टेट टैक्स, ठीक है। लेकिन सामान जो है दिल्ली टू तमिलनाडु जा रहा है, ठीक है, सामान जो है दिल्ली टू तमिलनाडु जा रहा है तो लगेगा CA, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जिसको क्या कहते हैं CST, मतलब सेंट्रल स्टेट सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो कि अभी तक एट प्रेजेंट है 2%। ओके, यहाँ पे होता है आपका इस चैप्टर की खत्म, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को जो है आराम से एक रिवीजन वीडियो जो है मिल गई होगी, मच बेटर है कि आप एक बारी, हाँ इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि आप अपने ICI मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो ज़रूर करके जाएं और MTP ज़रूर करें। MTP जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको जो है यहाँ पे मिलती जाएगी इन चीज़ों से, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।